अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 990 के बाय डिवीजन मेथड। जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसे हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है और कम्प्लीटली डिवाइड करना होता है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे 1 के। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स लिख के दिखाती हूँ कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है हमारे पास। 2 देखिए सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है और उसके अलावा 1 के टेबल में आता है और फिर किसी और टेबल में ये नहीं आता। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3। उसके बाद है हमारे पास 5, 7, 11 और ये फिर इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। ये तमाम प्राइम नंबर्स हैं, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। इजी वर्डिंग में हम कह सकते हैं जो सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ पे हम इस वैल्यू को डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास 0 है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये वैल्यू किस प्राइम नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, हम सबसे पहले 2 से चेक करेंगे कि 2 जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है क्या वो इस वैल्यू को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर या फिर 0 हो तो वो उस वैल्यू को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। यहाँ हमें 0 नजर आ रहा है यानी कि ये वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में लेकिन 9 नहीं आता, तो छोटा नंबर 8 आता है 4 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया इस 9 के पास और ये बन गया 19। 2 के टेबल में 19 भी नहीं आता, तो छोटा नंबर 18 आता है और वो आता है 9 पे। 1 हमारे पास फिर से रिमाइंडर है वो चला गया 0 के पास और ये बन गया 10 और 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। अब लास्ट में हमारे पास ऑड नंबर आ चुका है, अब ये वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि एक वैल्यू के तमाम डिजिट्स को प्लस करने के बाद अगर ऐसी वैल्यू है जो कि 3 का मल्टीपल है तो ही वो वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो अगर हम करें यहाँ पे 4 प्लस 9 तो वो हो जाएगा हमारे पास 13। 13 में जब हम करेंगे प्लस 5 तो वो हो जाएगा हमारे पास 13 के बाद 14, 15, 16, 17 एंड 18। 18 आपको पता है बिल्कुल 3 का मल्टीपल है यानी कि ये वैल्यू अब 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है, तो हम इसे 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 3 के टेबल में लेकिन 4 नहीं आता, तो छोटा नंबर 3 आता है 1 पे। 1 हमारे पास फिर से रिमाइंडर है जो कि चला गया इस 9 के पास और ये बन गया 19। 3 के टेबल में 19 भी नहीं आता, तो छोटा नंबर 18 आता है 6 पे। फिर से हमारे पास 1 रिमाइंडर है वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। अब दोबारा से हम इनको प्लस करके चेक करते हैं। तो अगर हम इनको प्लस करेंगे 1 प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पे 7, 7 प्लस 5 12, 12 3 का मल्टीपल है यानी कि वैल्यू अभी भी 3 से ही डिवाइड होगी। 3 के टेबल में लेकिन 16 नहीं आता, तो छोटा नंबर 15 आता है 5 पे। और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे हो जाएगा 10। 10 बिल्कुल भी 3 का मल्टीपल नहीं है यानी कि अब ये वैल्यू 3 से डिवाइड नहीं हो सकती। 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5 और 5 का डिविजिबिलिटी रूल है कि एक वैल्यू के अगर लास्ट में 5 या फिर 0 हो तभी वो वैल्यू 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट में 5 है इसलिए हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में 5 बिल्कुल आता है 1 पे। यहाँ पे भी 5 के टेबल में 5 आएगा 1 पे और ये बन चुका है 11। 11 खुद एक प्राइम नंबर है, 11 को हमने 11 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 11 के टेबल में 11 आता है 1 पे। यहाँ हम 990 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं और ये तमाम हमारे पास आ चुके हैं प्राइम फैक्टर्स 990 के। हम इनको किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले हम इस तरह लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ नाइन हंड्रेड एंड नाइन्टी और फिर हम इन तमाम फैक्टर्स को लिख देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 11। और अगर हम चेक करना चाहते हैं कि क्या हमने प्राइम फैक्टर बिल्कुल सही फाइंड आउट किए हैं तो हम इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर यही वैल्यू जिसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए बन रही है तो उसका मतलब है कि हमने प्राइम फैक्टर बिल्कुल सही फाइंड आउट किए हैं। देखा आपने कितनी जल्दी से हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना सीख लिए 990 के। इसी तरह आपके पास अगर कोई सी भी वैल्यू हो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप उसके प्राइम फैक्टर्स इजीली फाइंड आउट करना सीख सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।